कॉलेज में ये सीन है कि अभी भी बहुत सारे बच्चे जो हॉस्टल और पीजी में रहते हैं वो ऑनलाइन ही अटेंड कर रहे हैं, और जो नज़दीक में रहते हैं वो आके ऑफलाइन अटेंड करते हैं। तो मतलब दोनों ही चल रहा है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। इसलिए अभी ज़्यादा बच्चे नहीं हैं क्योंकि हॉस्टल अभी चालू हुए नहीं हैं, उनके अभी रजिस्ट्रेशन अगेन चालू होंगे। और पीजी वाले ये सोचते हैं कि वापस से ऑनलाइन हो गए तो बार बार सामान अप डाउन करना पड़ेगा। तो वैसे आज मैं DUP का पुश डे शूट करूँगा। वैसे 9 वीक्स का प्रोग्राम है और मैं 1 महीने से फॉलो कर रहा हूँ, और अभी मैं 6th वीक पे आ गया हूँ। तो आज मैं 6th वीक शूट करूँगा, बट टेंशन की कोई बात नहीं है क्योंकि पूरे 9 वीक्स में इस प्रोग्राम में सेम ही एक्सरसाइज है, सिर्फ जो सेट्स और रैप होते हैं उसमें फ़र्क है। मैं तुमको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो ये जो है ना week 1 and week 2 पुश डे का, तो इसमें जो week 1 था उसमें पुश डे हमें सबसे पहले बेंच प्रेस करना था जिसमें 1 रैप मैक्स था, और उसी एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीक हमें करना होता है 3 रैप मैक्स के लिए बेंच प्रेस, मतलब लाइट वेट पे 3 रैप्स करना है, और आज हमें करना है 1 रैप मैक्स मतलब हैवी वेट पे। तो ये प्रोग्राम की यही एक अच्छी चीज़ है, इसमें डीलोडिंग एंड अपलोडिंग, आई थिंक अपलोडिंग सही वर्ड होगा, नहीं होगा तो समझ जाना डीलोडिंग का अपोजिट, कि इस प्रोग्राम में डीलोडिंग करवाते हैं क्योंकि तुम हर वीक PR हिट नहीं कर सकते, हर वीक अगर तुम हैवी नहीं मार सकते, अगर जो तुम करोगे तो उससे तुम्हारी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी उल्टा कम होगी। इसलिए डीलोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, फैक्टर है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में। तो इसीलिए प्रोग्राम मुझे पसंद है क्योंकि इसमें बहुत ही इसमें मस्कुलर एंड्योरेंस को भी ध्यान में रखते हैं एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को भी रखते हैं, कभी कभी पावर ट्रेनिंग भी करवाते हैं, तो इससे हमारी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी मेंटेन रहती है। सेकंड ये चीज़ है कि तुम धीरे धीरे मस्कुलर एंड्योरेंस भी तुम्हारा बढ़ता है। सो इसलिए आज मेरा है 6th वीक, तो मैं आज 6th वीक का पुश डे ट्रेन करूँगा एंड तुम्हें वर्कआउट दिखाऊँगा। होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। मुझे इस पे ये 32.5 है, इस पे 3 रैप भी नहीं लगे थे, आज ट्राई करते हैं 5 रैप्स का। तीन ही लगे, लास्ट टाइम भी 3 लगे थे, बट एक एक्सक्यूज़ नहीं दूंगा, लेकिन मैं अभी जस्ट बीमार से ही उठा हूँ, बीमार था मैं, टॉन्सिल्स मेडिसिन वगैरह चल रही थी, डाइट अच्छी नहीं थी क्योंकि टॉन्सिल्स में खा नहीं पा रहा था, पर मैं खुश इसलिए हूँ कि स्ट्रेंथ एटलीस्ट चलो मेंटेन है, वो 2 शायद हो जाएंगे नेक्स्ट वीक तक, मैं कर लूँगा शायद, एक और कुछ डे आएगा उसमें अच्छा एफर्ट ट्राई करूँगा, अभी डाइट अच्छी चल रही है।